डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ जसनू तवनदीप सिद्धू के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हाँ। कभी किसी ने नहीं सोचा होना कि इन्नी छेती इस तरह के माहौल दे विच शामिल होना पेगा ते दीप सिद्धू सदा लिए इन्नी छोटी उम्र दे विच सानू अलविदा जाएगा। उन्होंने बहुत करीबी उन्होंने दोस्त दलजीत कलसी इस वक्त साढ़े नाल मौजूद ने। थोड़ी वीडियोज़ सामने आई हैं, तुसी लाइव हो, अखा चो हंजू नहीं रुक रहे। सत श्री अकाल जी सारे। सब तो पहली गल तो जी मैनू इदा करके ना इंट्रोड्यूस करो कि करीबी मैं भाई का मुहाफिज से एक किस्म का, तो अज उन्होंने नाम का मुहाफिज हाँ, बॉडीगार्ड हों ही बॉडीगार्ड ही समझो मैं। तो की बोल सकते हैं कि की फील करते हैं दीप भाई हमेशा बोलते होंगे सके कि उस दी अगवाई ही सारा कुछ होंगे और चीज़ा अपने आप ही इवॉल्व हो ही जांदियां ने। ते उस दे हुकम दे विच आया सी, उस दे हुकम दे विच वो अपना काम कर गया, जो उन्हें करना सी उन्हें करता। एक यूथ नू जगाना सी वो जगा गया, उदियां गल्लां जिहड़ियां सी उहदे वर्ड हाले बहुत अगे तक बहुत सालां बाद भी उस ते डिस्कस होएगा। उसकी खूबी सी वह एक स्पीच दे विच एक टॉपिक पकड़ता ही और एक टॉपिक नू अच्छी तरह नाल एक्सप्लेन कर दिंदा ही कि हुण समझदे रहना बाद चों, जिदां उहनूं पता सी कि बाद चों तुसीं तुहानूं टाइम लगना। बाइबल कलां दे विच दी तुसीं देख लेना, उहदा मेरे ख्याल तुहाडा चैनल भी सी उत्थे। मेरी बेटी उहदे नाल सीगी, उह ग्रैजुएट है, ते उह मैनूं कहिंदी कि इह की हुंदा डीप स्टेट। मैं कहा हुण तूं स्टडी करी इहदे उत्ते। ते इह चीज़ां जिहड़ियां उहने बोलियां, एक चीज़ हुण डीप स्टेट उन्हें एक जगह गल की माड़ी मोटी इधर उधर छेड़छाड़ के उन्हें बंद करता वो टॉपिक, उसके बाद दूजा टॉपिक, उसके बाद तीजा टॉपिक फैडरल स्ट्रक्चर की हुंदा वो समझाने की कोशिश की। इस पूरे इस बार तुम राजनीति देख रहे हो कुछ होर ही तरह की है। वो सिर्फ उसकी एक वजह है कि यूथ जिहड़ा जागया होया, सानू लीडर जिहड़े आ वो एक किस्म दे उन्हें नंगे करते, 90% तो उन्हें जमा ही नंगे करते। 10 मार्च में तो जिन्हें उसे थोड़े बहुत जिन्हें कपड़े रह गए वह भी उतर जाने, जिन्होंने कुछ भुलेखे भी है वह भी उतरने। तो अपना काम करना आया सी, वो काम करता जो परमात्मा ने उन्हें भेजा सी, वो चीज़ा करके टाइम वेस्ट नहीं करता सी। जिहड़ी गल हमेशा तेजी च रहिंदे, हर चीज़ फटाफट कर लैंदा सीगा, उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करते। जिंदगी में उन्हें आही किया, अपना जो काम करन आया सीगा करके वो चला गया इतों की। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਾਇਆ, ਰਾਤੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਲਗਾ ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 12 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ, 12 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ, 1,000,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਰੀਬ, ਉੱਦਣ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਕੌਣ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਆਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਕਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਉੱਥੇ 40,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਾਮੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 40,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ,
फिर हम फटाफट 2 घंटे बच्चे 3 ट्रक रोटियां होर मंगा ले। खालसा एड नूं भी सल्यूट है कि 80,000 बंदे का खाना लंगर बिना नोटिस दे वो तैयार कर सकती है। ये सिख कौम के कोल बाबे नानक का जो लंगर चलता है, ये सिख कौम उदन भी मैं याद आया वो गल भाई अपनी कौम कमाल है यार। मैं जो अमरवीर भाई बोल रहे थे फिर मैं क्यों भाई हों फिर बोलता दिल करता कि दीप सिद्धू का एक बार फिर फोन वजे भाई नाल फिर गल वो तो हैगा बट मतलब पहला विश्वास जहा ही नहीं हुंदा सीगा। जिद्दण हॉस्पिटल तो दीप भाई नू लैके आ रहे थे घर तो सवेरे उत्थे गल हो रही थी मनदीप भाई नाल कि भाजी कित्थे जाना कि आपां घर लैके जाना है शमशान सीधा जाना है या हले रुकना है की करना है। तो गल जदों कुछ इधर उधर हो रही मैं मेरे मूँह निकलन लगे थे भाई दीप भाई पुछ लो कि उन्होंने पूछ लें क्योंकि आप सारी गल उतो ही पुछते ही सही कितने भी अटकते ही उही गाइड करता है। कोई इदा दे पल जो याद आ रहे हों दीप नाल कि वो पल दोबारा वापस आ जाए दोबारा जी नहीं बहुत बहुत सारे इदा दे है वो जदों खुश हुंदा सी ना बहुत खुश हुंदा सीगा एक बच्चे ही तरह खुश हुंदा सी उहदे विच कुछ भी मिलावट ही नहीं थी। वो जो उन्हें खुश होना तो फिर उन्हें खिड़खिड़ा के हंसना बहुत घट लोग जानते होंगे कि भी वो इदा भी हंसता सी सारे जानते कि बड़े व्डिया व्डिया बहुत इंग्लिश दे और पंजाबी दे भी बहुत साहित्यक वर्ड यूज करता है कि बड़े सीरीयस जे होने लेकिन वो जॉली भी सी वो सीरीयस भी सी वो अणखी भी सी उन्होंने खुंदक भी आँदी सी वो हर तरह संपूर्ण जहा बंदा सी। कई इदा मैं कई बार सुनता हूँ लेकिन मैं अपनी अखी वो बंदा जिहड़ा देखिया उसकी हर चीज़ कमाल सी उसका शंभू मोर्चा कमाल सी उसका बैरियर तोड़ के दिल्ली जाना कमाल सी उसका आखिरी दिन भी कमाल सी। अज उत्थे अरदास हो रही थी तो अरदास प्लान नहीं सी मोहरा मली साहब ने अचानक ही आ गए तो उन्होंने बोलता कि अरदास तुही करो। मोहरा मली साहब ने जी अरदास की वह अरदास भी कमाल सी। मैं उदो भी आप पिछे गल करते थे कि इनू हर चीज़ कमाल ही इन्हें करना होंदा सीगा इहदा जाना भी कमाल सी इहदी आखिरी अरदास भी कमाल ही आ। इन्ने लोग उदन रोए ना उन्हें इतिहास ही बना दिता। मैं अपनी जिंदगी किसी पॉलिटिशियन दे लई किसी एक्टर दे लई सिंगर दे लई ये सब नहीं वेख्या सीगा जिहड़ा उदन सीगा पहुंचा जो दीप सिद्धू नू शायद कदी मिलिया नहीं पर उत्थे आके उन्हां दी अक्खां च वी हंजू। मेरा एक दोस्त है लवजीत भाजी तो उन्होंने वो कहें कि मेरे उन्हें कज़न कोई मैं नाम नहीं लैंदा जिस पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ बोलते सी कहते राइट हैंड है बंदा वह कज़न कहते भाजी वह फोन आया मैं वो अद्धा घंटा रोंदा रहा कि साढ़े खिलाफ बोलता ही लेकिन वो सही बोलता सगा मैं ही वह फैन सगा वो नहीं मरना चाहिए सी यार मैं कहते भाजी वो रोया अद्धा घंटा तो दुनिया रोई उदन। मिस्ट्री दीप सिद्धू अपने नाल ही लेगी कि आखिरकार उस रात की होया हालांकि सड़क हादसे का नाम लगाया जा रहा है बट कोई कुछ कह रहा है कोई कॉन्सपरेसी कह रहा है ये मिस्ट्री उन्होंने नाल चलेगी या इंसाफ की मांग कह रहे हैं कि नौजवान असी करांगे इंसाफ तक पहुँचांगे इंसाफ दिलावांगे दीप सिद्धू। नहीं ये तो पहले दिन ही असी बोलिया सीगा जिहड़ी साडी दीप भाई की बनाई हुई जथेबंदी है तो गुरमीत भाजी उन्होंने जथेदार ने इस समय ये लीड कर रहे हैं। उदन भाजी ने भी ये अपील की सी कि इसकी एक निरपक्ष जांच होनी चाहिए है क्योंकि हर्च तो है नहीं जो सारा कुछ सही है बड़े सारे सवाल ने जिन्हों के जवाब नहीं मिलते अही वो गड्डी का जिस तरह नाल क्रैश होना फिर बॉडी के उत्ते कुछ भी ना होना फिर मैं कैमरे ते वो ना बोलना अच्छा है बहुत सारे ने गड्डी दे विच ही जिदा उस दे मत्थे ते ही लग्या जो एक लोहा खुब्या आपां गड्डी भी देखी है पूरा उहदा वीडियो भी बनाया होया ते ओ जो छत है वो छत सीट दे नाल लगी हुई है तो बॉडी कड्डी किदा और इत्थे खून नहीं है जिस उसकी ब्लीडिंग कई घंटे बाद भी हो रही सी उत्थे ब्लीडिंग नहीं सी फिर क्यों इन्नी जल्दी जल्दी सारा कुछ किया गया क्यों उत्थे जदों अं हॉस्पिटल पहुँचे उत्थे बहुत सारी पुलिस सी उत्थे पुलिस बुलाने की लोड़ थी अं कोई उत्थे अटैक करन चले हैं
सारे हरियाणे के वड्डे पुलिस ऑफिसर उत्थे सीगे, सीआईए स्टाफ उत्थे सीगा। होना नहीं चाहिए नॉर्मली, इन्हें तो कोई फंक्शन नहीं है उन्हें तो, तो क्यों सी? वो बड़े सारे सवाल है कि एक जी जाँच है वो हो जाए तो वह कोई नुकसान तो है नहीं। एक नौजवान जो मैं भी पहुंची से संस्कार से, तो मैं इंटरव्यू की थी, तो एक नौजवान कहता कि गलत कर रहे हैं, इन्नी छेती संस्कार नहीं सी करना चाहिए, ये रोक दो, पंजाब जाम करो, इलेक्शन रुकवा दो, क्योंकि दीप सिद्धू के नाल जिन्ना इकट्ठ कट्ठा होया है। कहते कि असं मान ही नहीं सकते कि सड़क हादसे ने उन्हों की जान ले ली है, इन्नी छोटी उम्र के दीप साढ़े तो जुदा नहीं हो सकता, ये कॉन्सपरेसी है, तो संस्कार रोक देना चाहिए, असं करना ही नहीं चाहिए, असं परिवार गलत कर रहे। जो NRI जो भरा ने साढ़े उन्होंने को ये वाली चीज़ उधरों आई, उन्होंने बोलिया कि भाजी आ रोको अज नहीं एटलीस्ट करो। फिर मनदीप भाई नाल भी गल हुई, कहिंदे भाजी फेस जिहड़ा सीगा वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका सीगा, क्योंकि वो जिहड़ा पोस्टमार्टम करदे उस पूरा फाड़ दिता गया सीगा फेस ते, फिर उसके बाद स्वैलिंग के बाद बहुत उदां दा हो गया सी, ते उन्हूं रोक नहीं सकते सीगे, चाहते तो अं भी सी लेकिन रोक नहीं सकते सी उन्हूं। पंजाब नूं लेके की सोच सी, कोई ख्वाहिश जो थानू लगता है कि उन्होंने सजोई हुई सी पर वो अधूरी रह गई, क्योंकि पंजाब के नौजवान शायद उसनूं पूरा करेंगे? वैसे तो सारी अधूरियां रह गई, पर मैनूं एक लगता है कि एक पंजाब के लोग खासकर अमरगढ़ के लोग ये ख्वाहिश उसकी पूरी कर सकते हैं कि वह चाहता सीगा कि मान साहब जितण उत्थों दी, ते ये उसकी किस्म की आखिरी इच्छा भी कह लो, क्योंकि मैनू भी जो लास्ट टाइम मिले तो मैनू आखिरी हुक्म भी उदा यही कह समझ लो, मैंने मैं यही बोले कि भाई उत्थे जाओ अमरगढ़ जाओ अपना भी तो पहला ना आना, मैं भी आ रहा तो आप मान साहब जिताने हैं। ये भी जरूर कि उन्होंने भरा ना गल हुई तो कहते कि मेरी 4 बजे दीप सिद्धू ना गल हुई तो कह रहे थे कि मैं हले 3 दिन वापस मुड़ना ही नहीं, फिर उस रात वो वापस आ रहे हैं पंजाब वालू आ रहे होंगे चोन प्रचार कर जिस तरह जिक्र होया, तो उस रात हादसा हो जाता है, कोई कड़ी तो जुड़ती दिखाई दे रही है, पहले 3 दिन वापस नहीं आना सी, फिर एकदम वापस आ गए 4 घंटे बाद ही योजे हादसा हो। नहीं बड़ी सारी चीज़ा ने, वो तो मैं हूँ ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता, वो गल मिसयूज़ हो जाएगी किधरों की किधर चली जाएगी उधर ना जाए, बस एक बड़े सारे सवाल ने जिन्हों के जवाब साढ़े को नहीं है, ना पुलिस वो जवाब दिंदी पई है, फिर एक नवा एक चश्मदीद गवाह कोई है जरा कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं उस गड्डी का जी गड्डी नाम पहला कुछ होर दसा गया, फिर ड्राइवर कुछ होर है, ड्राइवर जो ड्राइवर का बयान है वो कहता मैं तो उन्होंने जिंदा वेख्या उदो जिंदा सी, ये पुलिस झूठ बोल रही है। फिर जो एक चश्मदीद गवाह है वह कह रहा है कि ये सारी मर्डर जोड़ा है उत्तों की उन्होंने मार के लिया के बच्चे रख के उन्होंने किया गया, रोड दसया जा रहा है कि वह ब्लॉक सेगा, रोड क्यों ब्लॉक किया गया, 15 तरीक की जी GPS की ट्रैकिंग है वो गौरमेंट कर सकती सी, क्योंकि बेल के ये पॉइंट से कि 1 तरीक और 15 तरीक न उसका GPS गौरमेंट देखेगी कि वह कितने है, 15 तरीक न होया। जिसके सवाल सवालों के जवाब असी लगातार लभ रहे हैं। थोड़ी दीप सिद्धू नाल आखिरी मुलाकात कदों हुई? मेरी मुलाकात तो आखिरी असी मीटिंग की सी फतेहगढ़ साहब 23 जनवरी में, मीटिंग दे विच तो असी लास्ट उदों ही मिले सीगे, बट गल उस दिन ही 2 बजे हुई सी, मान साहब की कंपेनिंग वास्ते मैं उन्होंने बेनती की सी, मैं क्या भाई जी तुसी 3 दिन लाए आ 2 दिन होर लाओ, कि भी मान साहब की उम्र के लिहाज न सानू उन्हां नूं एक गिफ्ट देना बनता कि असी इस सीट के उत्ते जोर ला के उन्होंने जताइए। लास्ट गल मेरी उस दिन ही 2 बजे हुई है। 3 मिनट दीप सिद्धू नाल बताए इस वक्त याद आ रहे? सारे याद आ रहे, बहुत बताए सी, बहुत लंबा समा नाल रहे बई दे शंभू मोर्चे तो लैके घर आना जाना, घरदिया पता ही ना होना कदों बई ने मेरे नाल घर चले जाना, कदों असी उन्होंने नाल चले जाना, सारे सारे सर्कल दे सारे याद आ रहे। मेरी गुड़िया मैनू कह रही है पापा दीप सिद्धू का, मैं 7 साल की गुड़िया मेरी पापा दीप सिद्धू मर गया, पापा दीप सुनया नहीं जा रहा। कभी सोचा नहीं होना कि इस तरह इस माहौल दे विच इत्थे आना पेगा, अज हर अख नम है, तो लफ्ज़ शायद साढ़े को भी मुक गए ने, क्योंकि इन्नी छोटी उम्र में दीप सिद्धू का जुदा हो जाना, अलविदा कह जाना, सवाल बहुत खड़े कर रहे हैं, पर लगातार इंसाफ की मांग भी है ये परिवार वालों की जानी है। नौजवान कह रहे हैं कि इंसाफ की मांग भी जरूर करांगे। तो कैमरामैन जस्सा के नाल जसनूर धवन, डेली पोस्ट पंजाबी, लुधियाना।